हे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। मैं राहुल वर्मा, ऑनलाइन सेलर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन का बटन दबाइए। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको अब तक अमेजोन पे कई सारे वीडियोस दे चुका हूँ, लाइक अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे करनी है, अमेजोन पे अकाउंट कैसे बनाना है और अमेजोन पे एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। और फ्लिपकार्ट पे भी मैंने आपको एक वीडियो दी है कि फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं। आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तभी तो एडवर्टाइजिंग करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखना और वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। ये मेरा पैनल है, सबसे पहले आप लिस्टिंग में जाइए, माय लिस्टिंग्स में। उसके बाद आप ऐड न्यू लिस्टिंग में जाइए, उसके बाद ऐड अ सिंगल लिस्टिंग। दोस्तों, जैसे कि मेरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैं आपको उसी में दिखाता हूं। जैसे मेरी कैटेगरी स्पीकर की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेलेक्ट ब्रांड। दोस्तों, अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आप इसमें अपना ट्रेडमार्क नंबर देकर प्रोडक्ट डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। आप किसी और ब्रांड को बिना ट्रेडमार्क नंबर के या बिना उसके सर्टिफिकेशन के या बिना उसकी ऑथराइजेशन के सेल नहीं कर सकते। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं, जिनमें आपको उनका अप्रूवल चाहिए ही होगा, चाहे उनके डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से या उनका ऑथराइज्ड इनवॉइस। जैसे मेरा खुद का ब्रांड है, मेरा ब्रांड का नाम है प्राग। अगर मैं यहाँ चेक ब्रांड करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ अप्रूवल आ गया, यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। अगर मैं अपने ब्रांड के अलावा कोई और ब्रांड सेल करता हूँ, सपोज करो मैं JBL डालता हूँ, चेक ब्रांड करूँगा, तो मुझे अप्रूवल नहीं आया क्योंकि मेरे पास इसका कोई ऑथराइजेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसे अपना ब्रांड डालता हूँ प्राग, ये अप्रूवल आ गया। उसके बाद क्रिएट न्यू लिस्टिंग। अब सबसे पहले यहाँ पे फोटोज डालनी है। दोस्तों, फोटोज आपको 1000x1000 पिक्सल की डालनी है इसके अंदर, और मेन फोटो ऐसी होनी चाहिए बहुत ज़बरदस्त। सब ये फोटो मैं डालता हूँ जैसे, और कम से कम 3-4 फोटोज तो आप डालो ही, हर एक अलग अलग एंगल से। अब यहाँ पे फोटो अपलोड हो रही है, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट व्यू आ गया। अब मैं इसमें एक और फोटो अपलोड कर देता हूँ। ये बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं सारी फोटोज अपलोड नहीं करूँगा, दो फोटोज अपलोड करके मैंने आपको दिखा दी हैं ताकि वीडियो हमारी छोटी बने, ज़्यादा बड़ी ना हो। इसको सेव कर दिया। अब फोटोज का सेक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये तीन सेक्शंस आते हैं, 1, 2 और 3। पहले सेक्शन में आपको SKU ID डालनी है। आप कुछ भी अपने नाम से डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका मन है। सपोज करो मैं डाल देता हूँ PR, जो मेरी कंपनी का नाम है पराग का, मैंने PR डाल दिया 101। लिस्टिंग स्टेटस यहाँ पे एक्टिव डालना है। MRP, जो भी आपकी MRP है, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1999 डाल दिया। उसके बाद मैं कितने में उसको सेल करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 999 डाल दिया। फुलफिलमेंट बाई सेलर, प्रोक्योरमेंट टाइप, मेरे पास स्टॉक है उसका। प्रोक्योरमेंट SLA, कि आप कितने दिन में हैंड ओवर कर दोगे, मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। स्टॉक कितना है आपके पास, जितना भी आपका स्टॉक है, 50 हो, 100 हो, 200 हो, मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जहाँ जिनमें भी ये स्टार लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अगर आप कुछ भी छोड़ दोगे तो एरर आ जाएगा, आपकी लिस्टिंग नहीं हो पाएगी। अब शिपिंग प्रोवाइडर कौन, फ्लिपकार्ट। अब लोकल डिलीवरी चार्जेस जो भी हैं, वेट के हिसाब से होता है, 500 ग्राम के हिसाब से, यहाँ पे 30, 45 और 55। उसके बाद पैकेट का वेट कितना है, मैंने डाल दिया 400, ये KG में है तो 0.4 डाल दिया, यानी कि 400 ग्राम्स। पैकेजिंग लेंथ यहाँ 15, ये मेरे जो प्रोडक्ट की लेंथ है मैं वो डाल रहा हूँ, 10 और 10। उसके बाद आता है HSN कोड। मेरे प्रोडक्ट का आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली HSN कोड यहाँ पर आ जाएंगे। तो मेरे प्रोडक्ट का है 8518, मैंने डाल दिया। टैक्स कोड मेरा किस स्लैब में आता है, GST 18% है।
अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर डिटेल ये सब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार नहीं बना हुआ। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप डाल सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी भी यहाँ पर वन एरर आ रहा है यानी कि मैंने कोई कुछ चीज़ छोड़ दी है। चलो फिर से चेक करते हैं। ओहो ये एस के आई डी मेरी ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैं एक और वन लगा देता हूँ तो उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा मेरा पहला स्टेप। देखिए ये जो एरर आ रहा था वो हट गया। अब आते हैं दूसरे कॉलम में। मॉडल नेम कुछ भी डाल दो, ब्लूटूथ स्पीकर 5 वॉट। क्या कलर का है? ब्लैक डाल दिया, जो भी इसका कलर है। क्या टाइप है? मोबाइल टैबलेट स्पीकर। कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी? 4.1 डाल दी मैंने। ब्लूटूथ है उसके अंदर? यस। जितने भी आपकी कैटेगरी में, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप डालते रहना। कलर क्या है फिर? ब्लैक। कितने पावर का है? 5 वॉट। सेल्स क्या है उस पैकेज के अंदर? सेल्स पैकेज 1, ब्लूटूथ स्पीकर, इनवॉइस, पावर केबल, वारंटी कार्ड, ये सब है। उसके बाद वेट, हाइट एंड लेंथ, डेप्थ दोबारा आ गई। जो मैंने डाली थी वहाँ पर उसकी 10 10 और ये 15। उसके बाद सेव कर दिया। देखो यहाँ से भी सारे एरर हट गए। अब तो ये दोनों कॉलम मेरे हो गए। ये तीसरा आपका ऑप्शनल है, जो भी आपके पास एडिशनल डिस्क्रिप्शन है अपने प्रोडक्ट को लेकर वो आप डाल दीजिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसके बिना भी आप सेंड टू क्वालिटी चेक कर सकते हैं। देखिए अभी ये सेंड टू क्वालिटी चेक हो गया। तो यहाँ पर इससे पहले वाला प्रोडक्ट मेरा क्वालिटी चेक फेल था। अभी चेक करता हूँ मैं क्यों फेल हुआ। बाकी सब मेरे क्वालिटी चेक पास्ड हैं जितने भी ये प्रोडक्ट हैं। जब आपकी क्वालिटी चेक पास्ड हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। तो ये भी क्वालिटी चेक इन प्रोग्रेस में है। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट लाइव हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई एरर आ रहा है तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि क्या एरर आ रहा है। तो दोस्तों ये था कि फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे करते हैं। मेरी अभी तक, मैंने इस पे अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 93 to 95 लिस्टिंग कर दी हैं। और बस ये था इसके लिस्टिंग के बारे में। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी कि मेरी अब तक की जितने भी वीडियोस हैं सब के सब ऑनलाइन सेलिंग पे बेस्ड हैं। क्यों? मेरा अगला टॉपिक यही है कि वाई ऑनलाइन। तो मेरी अगली वीडियो तक का वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आपको मिलेगी मेरी अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।